नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। लंबे समय से हरियाणा की बात करें या देश की बात करें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा जो पहलू है देश का, हरियाणा का, चलता आ रहा है कि भाई हमारे हरियाणा में इतने बेरोजगार हैं। महेंद्रगढ़ में भी बहुत से बेरोजगार है और महेंद्रगढ़ तो पिछड़ा हुआ कहा जाता है, आपको भी पता है किन किन कारणों से कहा जाता है और क्या उसके पीछे रीजन रहे हैं और कौन व्यक्ति रहे हैं। अभी हम बात करेंगे रोजगार की कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो घर बैठा है बेरोजगार है वो रोजगार कैसे पा सकता है, मात्र कुछ थोड़ा बहुत सीख के, कुछ 2-3 महीने की कोचिंग करके वो किस प्रकार से अपने घर का खर्चा और अपने आप को उस योग्य बना सकता है कि भाई समाज में उसको लोग अच्छे तरीके से जाने और पहचाने। इस बात को लेके आज हम पहुंचे हैं। बीएचडी आपको भी पता है टेली को लेके एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है महेंद्रगढ़ में और आसपास के क्षेत्र में। पारस जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से एक पढ़ा लिखा बेरोजगार जो है वो यहाँ आके रोजगार पा सकता है। तो सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा जो आपने एक शुरुआत की है कि बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। एक नया जो चीज आपने शुरू की है, भाई वाईफाई भी मिलेगा, बैठने की सिटिंग भी अच्छी होगी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से और लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाया। उन्होंने जो हम पे विश्वास किया और जो मान सम्मान दिया उसकी वजह से हमें भी आत्मविश्वास हमारा बढ़ता गया और एक इच्छा थी मन में कि शहर के लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का सहयोग और प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। सर जैसे अभी बात कर रहा था बेरोजगारी की, तो यहाँ आके बच्चे रोजगार पा सकते हैं, तो एक लोकल की अगर मैं बात करूं, लोकल तरीके से आप समझाएं उन लोगों को जो पढ़ लिख तो चुके हैं, जिन्होंने 12वीं पास की, ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन वो घर बैठे हैं बच्चे, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि भाई बीएचडी में जाके या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके हम कुछ सीखे ताकि हमारा अंदर से डेवलपमेंट हो और हम कुछ सीख के कुछ अपना कर पाए। तो बीएचडी पे आके टेलिस के माध्यम से कैसे बच्चा रोजगार पा सकता है? देखो सर क्या है कि हम लोग इतने सालों से इस लाइन में काम कर रहे हैं, बिजनेस प्लेटफॉर्म पे रह करके काम कर रहे हैं और डायरेक्ट हम एक बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन लोगों का हम सॉल्यूशन करते हैं। जितने भी बिजनेसमैन के सामने कुछ भी चैलेंजेज आते हैं उनकी अकाउंटिंग को लेकर के, उनके स्टॉक मैनेजमेंट को लेकर के, तो सब चीज़ों में हम अपना सहयोग देने के पूरा प्रयास करते हैं। तब जब से जीएसटी आया है एक अकाउंटिंग के फील्ड में एक बड़ा बदलाव आ गया। बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा था कि जैसे जो भी बिजनेसमैन लोग हैं उन लोगों को हम जैसे जैसे सहयोग करते हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं अकाउंटिंग को लेकर के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर के, जीएसटी या टैक्स मैनेजमेंट को लेकर के, वो इतनी ज़्यादा उनको बढ़ चुकी हैं और उनमें वो इतना उनकी काम की रिक्वायरमेंट है कि उनको ट्रेंड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे जी। वो लोग हमसे कैंडिडेट्स की डिमांड करते हैं कि हमें एक ट्रेंड कैंडिडेट दे दो जो हमारे इनवॉइस बना दे, अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन कर दे, इन्वेंट्री का, स्टॉक का काम कर दे। तो डिमांड बहुत है मार्केट में, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है, महेंद्रगढ़ जैसे शहर में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन क्या है कि जो चीज की डिमांड है मार्केट में बच्चों को वो काम नहीं आता। नौकरियां तो बहुत सी तैयार हैं लेकिन बच्चे ही नौकरी के लिए तैयार नहीं है, तो वो चीज नहीं आती जो करनी है अपने। बिल्कुल, मेन बात वो है। हाँ हाँ, बच्चों ने एकेडमिक पढ़ाई करी वो उनकी मैच्योरिटी के लिए बहुत अच्छी है, उनकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, उनसे अवेयरनेस आती है, वो सब चीजें अच्छी हैं। लेकिन जब आप कहीं प्रोफेशनली काम करने जाओगे तो वहां पर ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम है वो बच्चों को नहीं आता। बहुत से बच्चे अब ये भी गुमराह हो जाते हैं कि हमने ना कंप्यूटर कोर्स करना है। अब कंप्यूटर कोर्स का उनको सर्टिफिकेट अगर कोई दे दे तो उनको ये संतुष्टि हो जाती है कि हमने कोर्स कर लिया, चाहे उनको कुछ ना आता हो। तो जब तक उनको स्किल उनके अंदर नहीं आएगी, काम करना नहीं आएगा, प्रैक्टिकल काम करना नहीं आएगा, जिस चीज की ऑफिस में डिमांड है वो काम करना नहीं आएगा, तब तक जॉब की संभावना नहीं होती। और काम तो जाके करना ही पड़ेगा, अगर अपना काम तो करना ही पड़ेगा। और जिसको ये काम प्रैक्टिकली करना आ गया उसके लिए जॉब के ढेरों ऑफर हैं, कहीं पर भी जाए हर जगह जॉब है। अभी अगर बीएचडी की बात करें तो बच्चा कितने दिन में अपना घर का खर्चा चला सकता है बीएचडी में आता है? देखो हमारे पास, हमने कोई लॉन्ग टर्म कोर्स नहीं रख रखे क्योंकि हमें भी पता है अगर मैं ही अपने कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर कर दूंगा तो बच्चा 1 साल तक मेरे पास आएगा, 1 साल तक उसका आने जाने का भी खर्चा लगेगा और भी बहुत सी समस्याएं को मतलब
नहीं कर पाएगा उन चीजों को। तो हमने शॉर्ट टर्म में 3 से 4 महीने में हम उतना कंटेंट उसको करवा देते हैं कि वो बच्चा अपने दम पे कहीं पर भी जॉब कर सकता है। ज्यादातर तो हमारी हमारा प्रयास रहता है कि हमारे कस्टमर की इतनी डिमांड है कि हम उनके पास भेज करके प्लेसमेंट डायरेक्ट हम ही दे देते हैं। फिर भी अगर मान लो उसको लग रहा है कि भाई यहाँ के बजाय मुझे अपने लेवल पे प्लेसमेंट चाहिए, तो वो कहीं पर भी जाकर के अगर इंटरव्यू देता है और उसको अगर प्रैक्टिकल काम टैली का अच्छे से आता है, अकाउंटिंग का आता है, ऑफिस मैनेजमेंट का आता है, तो जॉब की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में अकाउंटिंग फील्ड में खासतौर से। अगर 3 से 4 महीने महज दिए जाए, मतलब 12 साल तो 12वीं पास की हमने, 3 साल फिर हमने ग्रेजुएशन की और उसके बाद भी बच्चा बेरोजगार है, लेकिन अगर 3 से 4 महीने यहाँ देते हैं तो वो 10 से 12-15 हजार कमा सकता है। बिल्कुल, ये तो उसकी स्टार्टिंग हो जाती है इतने रुपए से। तो ये मान के चलो कि अगर बच्चे ने 3 से 4 महीने का कोर्स किया तो उसकी 1 या 1.5 महीने की सैलरी से, 2 महीने की सैलरी से उसका सारा फीस का खर्चा निकल चुका, उसका आने जाने का खर्चा निकल चुका, तो 6 महीने में तो देखा जाए तो उसका कोर्स फ्री का ही पड़ गया। मतलब बेरोजगार से रोजगार वाला हो गया, बेरोजगार से रोजगार वाला हो गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा जब बच्चा खुद अपने पैसे कमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कमाए हुए पैसे खर्च करेगा तो मजा भी आता है और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। और एक बेनिफिट ये भी मिलता है, देखो इस समय जब बच्चा इस लेवल पे होता है तो उसके बहुत ज्यादा खर्चे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसका आत्मविश्वास इसलिए बढ़ता है, जो उसकी स्टडी होती है अगर वो कोई कोचिंग भी कर रहा है तो उसको भी वो और ज्यादा लंबे समय तक तैयारी कर सकता है, क्योंकि अब उसको घर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, अंदर से भी तो मोटिवेशन मिल जाता है। जी जी, वो अपने खुद की तैयारी से कर रहा है। तो सर अगर बात करें 3 से 4 महीने की आपने बात बताई, तो अभी तक तो आपको काफी साल हो गए, तो बहुत से बच्चे आपने प्लेसमेंट करवा दी होंगे। बिल्कुल, सैकड़ों बच्चे यहाँ से कोर्स करके इस समय बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब लोकेशन पे दिल्ली में, गुड़गांव में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, भिवानी में, हर जगह जॉब कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेज पे हैं। 50,000 मतलब ये मान के चलो कि 25 से 40-45 हजार तक तो बहुत से स्टूडेंट है, सैकड़ों स्टूडेंट्स जो इस सैलरी पैकेज में काम कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वेट करते रहते हैं कि मैंने फॉर्म भर रखा है सरकारी का, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, उसको फिर फॉर्म दोबारा निकलते हैं, कभी टेस्ट नहीं होता, कभी कुछ हो जाता है, तो 4-5 साल उसमें निकल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी इस कोर्स की तरफ कैसे आना चाहिए? देखो इतना अवेयर तो बच्चों को खुद ही होना पड़ेगा, उनको खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। एक्चुअली बच्चे अपना आत्म मूल्यांकन नहीं करते कि वो कितना तैयारी कर रहे हैं और उसकी कितनी संभावना है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना अच्छी बात है लेकिन उसमें संभावना बहुत कम होती है। अभी जैसे फॉर्म निकले हैं 700 चंडीगढ़ पुलिस के, लेकिन इसमें करीब 70-80 लाख बच्चे हो सकता है कि फॉर्म भरेंगे, तो परसेंटेज अगर देखा जाए तो बाकी बच्चे क्या करेंगे 700 के अलावा। तो उनके पास कोई, हाँ, तो उनके पास कोई प्लान बी जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा लेकर के बच्चे चलते हैं तो उनको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर संभावना इसलिए कम है क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, कभी फॉर्म निकल रहे हैं, कभी फिर कोई और कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो लंबा खिंच गया। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर लीक भी आजकल सुनने में आ रहे हैं, तो ओवर एज भी हो जाते हैं बच्चे 5-6 साल उसमें तैयारी करते करते, तो वहां पर फिर उनको थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए बच्चे अगर यहाँ पर करें तो उसमें अगर दिक्कत आ भी जाए तो बच्चे के ऊपर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और वो अपना खुद का रोजगार, और एक समय के बाद 3-4 साल अकाउंटिंग लाइन में निकाल दिए ना तो उसकी सैलरी इतनी हो जाती है कि वो गवर्नमेंट जॉब नौकरी से अच्छी सैलरी को अच्छी से पैकेज पे जा सकता है। और उसमें तो बंदिशें भी काफी होती है और यहाँ तो अपना काम होगा। बिल्कुल नहीं, अपना भी कर सकता है, जो जो कैंडिडेट बिजनेस करना चाहता है तो उसके बिजनेस में भी उसको हेल्प मिलेगी। सर जैसे बात करते हैं कॉमर्स वाला बच्चा अकाउंट्स में जा सकता है, तो क्या आर्ट्स वाला या नॉन मेडिकल वाला अगर फ्री बैठा है तो क्या वो भी आ सकता है 3-4 महीने में सीख सकता है? बिल्कुल, देखो पहले एक ये मान्यता थी कि अकाउंट्स का काम सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाला ही कैंडिडेट कर सकता है और अकाउंट्स के काम के लिए कम से कम 2 से 3 साल की स्टडी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो एक संभावना ये रहती थी कि जिसने बीकॉम कर रखी ना वही कैंडिडेट अकाउंट्स का काम मेंटेन कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से, सॉफ्टवेयर पे सारा काम होने की वजह से ये सारा काम इतने कम समय में सिमट गया कि हम 3 से 4 महीने में उतना सीख सकते हैं, उतना कर सकते हैं जो एक बीकॉम कैंडिडेट 3 साल में स्टडी करके सीखता है, क्योंकि बैकग्राउंड में बाकी सारा काम टैली कर देती है, उसको सिर्फ वाउचर पास करने होते हैं और किस तरीके से वाउचर पास करने होते हैं उसकी सेटिंग करनी होती है, वो चीज हम प्रैक्टिकली यहाँ पर सिखाते हैं। तो आर्ट और साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी अकाउंटिंग लाइन में आराम से इसमें 2 से 4 महीने में सीख करके जॉब कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कोई भी बेरोजगार जो पढ़ा लिखा है तो वो
टैली कर सकता है और अपना जीवन व्यापन टैली के माध्यम से पैसे कमा के कर सकता है। देखो स्कोप मार्केट में बहुत है, लेकिन सबसे शॉर्ट टर्म में और सबसे अच्छी एक तरीके से जॉब अगर अकाउंटिंग की फील्ड की मानी जाती है, इस पैकेज पे आने के लिए टैली से बेहतरीन आज के समय में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जो भी ऑप्शन है बच्चों के पास जॉब के लिए ढेरों ऑप्शन है, लेकिन किसी में 2 साल लगते हैं, किसी में 4 साल लगते हैं, किसी में 3 साल लगते हैं, मतलब 2-3 साल लंबी स्टडी के बाद ही वो इस लायक बन पाता है कि वो जॉब कर पाए और पैसा भी लाखों खर्च हो जाता है। अपने यहाँ तो महीनों में है, महीनों में है और मतलब कम से कम समय में बच्चा अपने आप को जॉब के लायक बना सकता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात सर। जैसे अभी बात करें टैली की, इसके अलावा आप जैसे लिखते हैं कि भाई सरकारी कंप्यूटर कोर्स हम करवाते हैं, तो वो क्या होता है? भाई बहुत से इंस्टीट्यूट पे सर कंप्यूटर करवाते हैं, तो अपने में और उसमें क्या डिफरेंस है? देखो हमारे कोर्स गवर्नमेंट से ऑथराइज है, HKCL का हम कोर्स करवाते हैं, HKCL हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इनका जो HSCIT, HSCIT A और HSCIT A+ जो कोर्स है वो सभी गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है। 6 महीने से 1 ईयर के जो कोर्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है। इवन ये कोर्स करने के बाद बच्चे को पात्रता टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों की संख्या में जो गवर्नमेंट इम्प्लॉई हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था ये कोर्स, तो SCTC का पात्रता टेस्ट ये उसका अल्टरनेट है। तो बहुत से सैकड़ों की संख्या में गवर्नमेंट इम्प्लॉई सी ग्रुप में जो लगे हुए थे, कलर कहोगे, स्टेनो टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, वो हमारे पास आकर के ये कोर्स करके जा चुके हैं। और गवर्नमेंट ने जितने भी सी ग्रुप की वैकेंसी निकलती उसमें भी ये कोर्स मैंडेटरी किया हुआ है, तो हर बच्चे को ये कोर्स करना चाहिए। अभी हमने पिछले समय ये एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जब कोई फॉर्म निकलते हैं ना उस समय एकदम से आकर के डिमांड करते हैं सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट बना करके दे रहे हैं वो वैलिड नहीं होती, एट ए टाइम बनवाते हैं वो। और वो फिर एक तो गवर्नमेंट जॉब के जो चांस है वो बहुत कम मिले, बाय चांस उसको कोई चांस मिले और वो भी डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से उसका खराब हो जाए, तो उसका तो लाइफ रोजगारी गया उसका लाइफ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सर अभी अगर बात करें बच्चे तो बहुत से आते होंगे, फीडबैक क्या रहता है बच्चों का? फीडबैक बच्चों का देखो यहाँ पर जो एडमिशन लेता है वो यहाँ की क्वालिटी से अच्छे से वाकिफ है, वो जानता है यहाँ पर अगर आ गए तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और प्लेसमेंट भी जब बच्चा यहाँ पर आता है तो वो भी देखता है कि हम कोर्स के दौरान ही बच्चों को प्लेसमेंट देते रहते हैं, कोर्स के दौरान हम खुद बच्चे से पूछते हैं भाई जॉब करनी है तो बताओ, जॉब करनी है तो बताओ। तो फीडबैक बच्चों का जॉब के प्रति अच्छा है। और एक बहुत से बच्चों से ये भी सुनने में आया कि भाई अगर कंप्यूटर सीखना है तो ढेरों सेंटर है, लेकिन अगर तेरे को सही अर्थों में सीखना और जॉब के पर्पज से सीखना है तो BHD के अलावा और कोई विकल्प नहीं। सर जैसे आप लिखते हैं BHD सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, तो इसके बारे में बताएं कि आप सॉफ्टवेयर है वो भी लोगों को देते हैं? जी बिल्कुल, BHD सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हम टैली के सर्टिफाइड पार्टनर है, 3-स्टार पार्टनर है। हम एजुकेशन के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी डील करते हैं। तो महेंद्रगढ़ में और नियर बाय में हमारे 700 से ज्यादा कस्टमर हैं जिनको हमने टैली का सॉफ्टवेयर दिया और उनको हम टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांव और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में 700 से ज्यादा लोगों को जब हमने सॉफ्टवेयर दिया, उनके पास गए, उनके जो बिजनेस को हमने समझने की कोशिश की, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन लोगों की भी डिमांड होती है कि हमें एक अकाउंटेंट चाहिए, तो उनके अकाउंटेंट की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा जो BHD इंस्टीट्यूट है वो उसकी पूर्ति करता है। जो बच्चे यहाँ टैली सीखते हैं उन्हें फिर हम वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो हमारे जो कस्टमर हैं उनको हम सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, हर तरीके का सॉल्यूशन हम उनको देते हैं। उन हमारे किसी भी बिजनेसमैन को अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो BHD इंस्टीट्यूट सदा उनके साथ है। अभी जैसे 1 अगस्त से इनवॉइसिंग लागू हो रहा है जी। तो अभी से हमने अपनी वीडियो अपने कस्टमर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, शेयरिंग शुरू कर दी है। तो इनवॉइसिंग को लेकर के, ईवे बिल को लेकर के, स्टॉक मैनेजमेंट को लेकर के, इन्वेंटरी मैनेजमेंट को लेकर के हर टाइप का सॉल्यूशन हम उनको दे रहे हैं। इवन किसी को टैली में कस्टमाइजेशन करवाना हो, मतलब अपने बिजनेस के अनुसार उस टैली में कुछ चेंज करना हो, तो वो फैसिलिटीज भी हम अपने कस्टमर को, क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी हो BHD सारा सॉल्यूशन करेगा, A to Z सॉल्यूशन, एक ही छत के नीचे एक ही जगह पे। उनको अकाउंटेंट चाहिए तो हम हैं, रेडी हैं। उनको स्टॉक मैनेजमेंट चाहिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट चाहिए, हर प्रकार का अकाउंटिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ से उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर अभी अगर बात करें एड्रेस की और यहाँ संपर्क करने की, तो कैसे बच्चे यहाँ पहुंच सकते हैं? देखो अभी ये जो रेलवे रोड पे कोऑपरेटिव बैंक के सामने हमारा इंस्टीट्यूट है BHD कॉलोनी में, और अगर नया एड्रेस आप तरीके से जानकारी लेना चाहो तो नया जो SBI बैंक खुला है, न्यू SBI बैंक के बिल्कुल पास में BHD कॉलोनी में इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा बताएं जैसे अपना स्कूल भी है बाल पुलवारी, उसके बारे में।
देखो एजुकेशन का महेंद्रगढ़ एक हब बना हुआ है, तो हमने भी एक ये ठान करके किया है कि बीएचडी कॉलोनी में भी एजुकेशन के लिए अगर बच्चा आ जाए तो उसकी सारी जरूरतें यहीं पे पूरी हो जाए। इसलिए हमने छोटा सा बच्चा आएगा जॉब लेके जाएगा, छोटा बच्चा आएगा वो तो खेल करके जाएगा, एंजॉय करके जाएगा। तो बाल फुलवारी स्कूल यहाँ पर है हमारा, और इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट हम देते हैं, और अभी हमारी लाइब्रेरी हमने ओपन करी है। तो एक बच्चे को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बच्चे का समय खराब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, बच्चे को वो माहौल नहीं मिल पाता घर में। तो हमने यहाँ पर जो लाइब्रेरी जो बनाई है वो बहुत ही साइंटिफिक वे में बनाई है। एक आंखों पे कितनी रोशनी पड़नी चाहिए, लाइब्रेरी की लाइट साइंटिफिक वे में कितनी होनी चाहिए, उन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी हमने बनाई जो फुल्ली एसी है, फुल्ली फर्निश्ड है, और सीटिंग स्पेस भी हमारे पास काफ़ी अच्छे ढंग से उसमें मेंटेन किया है। किसी बच्चे का किसी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। तो महेंद्रगढ़ की मैं कहूँगा कि सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी हम महेंद्रगढ़ को देने जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बेहतरीन हमारे पास ही है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने पारस जी की बातें सुनी, आपको यहाँ पे टैली से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, कंप्यूटर डिप्लोमा वो मिलेगा जो सरकारी नौकरी में चलता है, छोटा बच्चा है तो बाल फुलवारी अपना स्कूल है, बड़ा बच्चा है उसको बैठ के पढ़ना है तो हमारे पास बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनाई है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप बीएचडी में आए, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि भाई किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, और पूछें कि कितने बच्चों को प्लेसमेंट दी जा चुकी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। सर एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और बता दें अपना। कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, बाकी 9315616990। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, और महेंद्रगढ़ में नया SBI बैंक है, वहां पे आके उसके पीछे उसके नजदीक ही आपको बीएचडी जो सॉल्यूशन है, बीएचडी टैली जो है, और बाल फुलवारी स्कूल, और यहीं पे आपको लाइब्रेरी मिलेगी। तो कैसी लगी वीडियो, शेयर जरूर करें ताकि कोई बेरोजगार बच्चा रोजगार पा सके, और लगातार बने रहे इंडिया न्यूज 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।